बोलते बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। नावकोटी प्रखंड के डफरपुर पंचायत के टेकनपुरा में गुरुवार को प्रतिवर्ष सम्मान समारोह का आयोजन मां गिरिजा देवी राजेंद्र प्रसाद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा किया गया। इसकी अध्यक्षता मुखिया सुनैना देवी ने की, विमन संचालन हर्षवर्धन कुमार ने किया। इस संस्था के द्वारा लगभग 2007 से प्रतिवर्ष सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिवर्ष सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए विधायक सूर्यकांत पासवान ने इस तरह के आयोजन की प्रशंसा करते हुए की, प्रतिभा संपन्न छात्राओं का मनोबल इससे ऊंचा होता है। बेगूसराय महापौर पिंकी देवी ने अभिभावकों से लड़कियों को पढ़ाने की बात कही। लड़कियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि लड़की अगर पढ़ लेती है तो वह घर से लेकर बाहर तक परिवार और समाज का नाम रोशन करती है। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। माध्यमिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले पंचायत के लगभग 60 छात्र एवं छात्राओं को प्रशस्ति पत्र मोमेंटो को मिठाई देकर सम्मानित किया गया। वहीं इनैया के श्रवण कुमार शाह की पुत्री माही कुमारी को प्रथम पुरस्कार, वृंदावन के ब्रजेश सिंह के पुत्र मानस कुमार को द्वितीय पुरस्कार, छतौना के अशोक महतो के पुत्र राजकुमार को तृतीय पुरस्कार, वृंदावन के मदन दास की पुत्री मुस्कान कुमारी को चतुर्थ पुरस्कार, वृंदावन के रंजीत सिंह के पुत्र अमन को पंचम पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पैक्स अध्यक्ष ट्रस्ट के अध्यक्ष कुमार गणेश शंकर सिंह, सचिव राम बाबू सिंह, प्रोफेसर चुनचुन सिंह, फिल्म अभिनेता अमीय कश्यप छोटू उर्फ ऋतु रंजन सिंह, ब्रॉनी डेयरी के चेयरमैन विजय शंकर सिंह, प्रोफेसर चुनचुन कुमार, प्रोफेसर महेंद्र सिंह, जय जय राम महतो, सदानंद मिश्रा, रजनीश कुमार, अमित कुमार, राम उद्गार सिंह आदि उपस्थित थे। नावकोटी से नवीन कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। मैडम साहिबा को बहुत बहुत नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हृदय से इनका चंदन है, अभिनंदन है, बंधन है। और मैं विशेष सब क्या कहूँ, अब माइक और बच्चा हिडन टैलेंट्स, प्रतिभा में प्रतिभा की कमी नहीं है। और हमारे सर्वश्रेष्ठ इंजीनियर साहब हमारे अग्रज भी हैं, इनका प्रयास सचमुच में कमेंडेबल है। ही हैज इनिशिएटेड सच ए वेलफेयर वर्क ऑन दिस फाइल ऑफ टेकनपुरा। रियली ही इज थैंकफुल फॉर दिस टेकिंग इनिशिएटिव टू प्रोवाइड टू रेंडर सपोर्ट टू स्टार्ट द वेलफेयर वर्क फॉर आवर सन्स ऑफ टेकनपुरा फॉर देयर बेटर एजुकेशन फॉर पेविंग द वे ऑफ हिज ऑफ देयर कैरियर। श्योरली ही डिजर्व्स क्रेडिट from all the villagers, especially from my side. Thank you, sir. आप जितना मन लगाकर पढ़िएगा, आपका जीवन, आपके माता पिता का, आपके जिले का और आपके गांव का नाम रोशन होगा। इसलिए आप सभी को मैं बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। और अब मैं फिर से आपको कहना चाहती हूँ, कोशिश लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है। तो खूब अच्छी से मेहनत कीजिए, मन लगा कर पढ़िए। और मैं एक शब्द कहना चाहती हूँ, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, गुरु का सम्मान कीजिए, तभी आपका उत्तम और उज्जवल भविष्य होगा। क्योंकि अभी के बच्चे टेक्निकल युग में आ गए हैं, बच्चे अपने अभिभावक का नहीं समझते हैं, मोबाइल पर दिए गए में लगे रहते हैं। के चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हुए मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। सेवानिवृत्त तो जरूर हूँ, लेकिन सेवानिवृत्त होने के बाद भी हमको लगता है कि सचमुच हमारे टेकनपुरा गांव के लिए, इस पंचायत के लिए और बेगूसराय जिला के लिए मैं गर्व का अनुभव करता हूं। जब सेवानिवृत्त होने के बाद भी भारत सरकार ने हमको NMDC स्टील प्लांट, जो जस्ट अभी कमीशन हुआ है, 3 मिलियन टन कैपेसिटी का प्लांट है, उसको कमीशनिंग करने के लिए
बेगूसराय से ही दो मैं स्थान प्राप्त किया था, संयोग से सेवानिवृत्त हो गए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और इस ट्रस्ट के मालिक भी मैं स्वागत करता हूं श्री जगदीश पासवान जी का, जो इस ट्रस्ट में उल्लेखनीय भूमिका में रहते हैं, और मैं स्वागत करता हूं श्री रजनीश जी का जो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान कर रहे हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं चंद लाइन में निर्भी पूर्वी प्रेम कृपा दया ची जय देव जय देव जय मंगल मुक्ति ग्राम गौरी शंकर महादेव, और हमारे पूज्य आत्मा पुण्य आत्मा श्री स्वर्गीय राजेंद्र बाबू जिनके नाम पर ये ट्रस्ट चलता है। जन कल्याण से बड़ा इनका सरोकार रहा था, एक स्पष्ट एक ज्यूरी के रूप में भी इन्होंने बहुत भूमिका निभाई, और साथ ही साथ थाली में पानी रख दिया और बारी बारी से कौरवों को बुलाया, कहा बताओ तुम क्या देख रहे हो। वो एक एक करके सबों ने कहा मैं चारों ओर आसमान देख रहा हूँ, सूरज देख रहा हूँ, पेड़ पौधे देख रहा हूँ, बाद में मछली और उसकी नाक देख रहा हूँ। एक एक करके सबों को उन्होंने वापस बुला दिया। अब अर्जुन की बारी आई, आचार्य ने कहा कि अर्जुन बताओ के तरफ से उनके प्रति श्रद्धा सुमन और नमन व्यक्त करता हूं। मैं आज बहुत खुश हूं कि बड़े हेक्टिक शेड्यूल के बाद हमारे शहर की मैडम मेयर श्रीमती पिंकी देवी और पूर्व मेयर संजय बाबू संजय सिंह, जो कि एक विकास पुरुष हैं, जिन्होंने प्रयत्नशील रहते हैं, और एक बार जानकारी मिल जाए कि इस तरह के कार्यक्रम है आयोजित है तो तत्क्षण वो अपना समय निकाल करके यहां पहुंचते हैं। आज उनका कार्यक्रम व्यस्तम स्थिति में था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस कार्यक्रम को महत्ता को समझते हुए पहुंचे हैं, तो मैं उनको बात करूं। अगर नावकोठी प्रखंड की तो शायद पहला ऐसा ट्रस्ट और पहली ऐसी व्यवस्था कार्यक्रम की, और वो भी कार्यक्रम का स्वरूप ऐसा जिसमें बच्चों का सम्मान हो रहा, इसलिए इस गांव को सर्वप्रथम मैंने धन्यवाद ज्ञापित किया है। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे परमादरणीय मुखिया जी इस पंचायत में, मैं उनको और जिला के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं, मैं उनको स्वागत करता हूं। मैं स्वागत करता हूं श्रीमती पिंकी देवी जी का, जो लगातार बेगूसराय